बारी मुक दिया की जाइए चलिए एक के पाँव हुआ दो है देख मेरे आखी बच्चा मेरे आखिरी कोलेस्ट्रोल और आखी की दिक्कत है उससे भी ये लगाना पड़ो तो करता हूँ ना। जय माता दी, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे अपने जहाँ पे मैंने आपको बताया हिप्पा में शिमला ढली से आगे ये तो प्रोग्राम क्या है वो पूरा पूरा तो मुझे भी नहीं पता, तो चलो लगेगा भी पता। तो मैं एक बहुत खुशी की बात है, मुझे आज ना मेरी सहेली मिली। बहुत से लोग इस चेहरे को पहचानते होंगे एक्चुअली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इसका पेज है और बहुत काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मुझे फेसबुक में इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने एक दिन पेज बनाया था तो मेरे को अचानक ये दिख गई, फिर मैंने इसको फॉलो किया, मैं रोज़ देखती थी। तो मेरा यूट्यूब पे है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यूट्यूब पे भी होगा इसका शायद चैनल है ना, पर कम ही एक्टिवेट है ना? अभी स्टार्ट ही हुआ है। हाँ स्टार्टिंग ही है। तो ये मेरी सहेली बचपन की, समझ लो हम साथ में पढ़े हैं, और आज 22-23 साल बाद शायद 20 साल में शादी हो गए, और 2001 में हमने प्लस टू, ये तो 2000 में करके चली गई थी ना, 2000 में शादी निकल चुकी थी, 2000 में भी अभी एक में तो ये मिल गई थी। हाँ। इसकी शादी हो गई थी 2001 में। इतनी बड़ी मिले कहाँ मिले, मतलब तो मैं ये सोच रही हूँ कि आइए मेरे से मिले, शिमला पहुंचिए मुझसे। सबसे बड़ी बात बस मुझे इतना जानना कि मेरी क्लासमेट है बचपन की, बहुत महिला ड्राइवर होने के नाते आज यहाँ पे मिल रहे हैं हम एक साथ, धन्यवाद करते हैं इवेंट पे एक साथ मिले, एचआरटीसी वालों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को मिला दिया। ठीक है, मैं अभी इसके बेटे से भी मिलाती हूँ आपको। फिर अंजू का कैमरा मैन है, मैं सोचती थी इसकी वीडियो कौन बनाता है, मैं हमेशा ये सोचती इसकी वीडियो कौन बनाता है, क्या मैंने कहा इसका हस्बैंड के घर में रहते होंगे। घर में रहते होंगे ना, बेटा भी घर में रहता है, स्टडी कर रहा है कुछ महीनों से। ये अंजू का बेटा है और वैसी ये जैसी तब थी ना आज भी वैसी ही है। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई यार अंजू, बहुत मोटी हो गई है बस, और कुछ नहीं, जैकेट में कुछ लग गया था तो कम पहन लिया था ना, बस हमें शिमला चोरी पास नहीं हो गई थी, है यार डर उठ नहीं अभी तो, अरे ये लोग तो। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी यहाँ पे, और ये देखिए काफी बड़ा इंतजाम कर रखा है इन्होंने, और तो अंजू से मिलकर बहुत खुशी हुई, और मतलब क्या बोलते ना, कितनी खुशी होती है ना जब इतने सालों बाद कोई अपना मिलता है, क्लासमेट या कॉलेज फ्रेंड या कोई भी मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो ये है नितेश, और अभी हम लोग जा रहे थे नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो यहाँ पे आवाज़ गृह, भोजन गृह सारा है सब कुछ, मतलब हिप्पा यहाँ पे 12 महीने वो रहता है, यहाँ पे ट्रेनिंगें चलती रहती हैं, धौलाधार अतिथि गृह। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आए मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने, बहुत ही प्यारी जगह है, और यहाँ पे सारी जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह होती हैं तो वहाँ जाके एक्चुअली मुझे पक्का पता लगा था कि वहाँ पे हमारी ना रोड सेफ्टी जो होती है उसको लेके हमारी एक दिन की ट्रेनिंग थी, और दूसरे हमारे को सम्मानित किया जाना था कि महिलाएं जैसे गाड़ी चलाती हैं तो कितने खुशी की और सम्मान की बात है। तो यार सच्ची में आंखों में आंसू आ गए, मतलब मेरे हमेशा ऐसा ही होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे ऐसे मुझे ऐसे ऐसे अवार्ड मिलेंगे या इस तरह के। मेरे साथ बहुत सारी बहनें थी हमारी, तो अंदर जब देखा ना मैंने एक VIP वाली फीलिंग आ रही थी कसम से, और यहाँ पे हमारे वो एंट्री हो रही थी यहाँ पे, चलो आगे चले गए थे तो यहाँ पे हमारे। इसमें नहीं आप अपना शेड्यूल देख लीजिए, डिपार्टमेंट है इसमें तो कस्तूरी बनी होना चाहिए, ये जो इधर दीक्षा शर्मा है ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची मैं हैरान रह गई अपनी सीट देख के, सेल्फ एम्प्लॉयड मिल्क मेड, तो मधु ठाकुर अपने नाम की नेम प्लेट, मतलब देखो माइक वो साथ में लगे हुए हैं बोलने के लिए। तो ये शीतल है, शीतल ने मुझसे कन्फर्म, मतलब फ़ोन पे हमारी जो बातचीत होती रहती थी, व्हाट्सएप ग्रुप शीतल ने बनाया था कब कहाँ पे कैसा शेड्यूल क्या है, चारों तरफ LCD वो लगी हुई है स्क्रीन बड़ी बड़ी, तो किसी को मतलब घूम के देखने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बार ये वाला
ऐसा फंक्शन अटेंड किया, ऐसा इवेंट जो है अटेंड किया मैंने, कि मैं सोच नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती कि मैंने कभी गाड़ी सीखी तो मुझे इसका इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, इतनी इज्जत मिलेगी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, इस विभाग की तरफ से। मेरे नाम की प्लेट ले बिल्कुल सामने मेरी फ्रेंड कितनी खुशी होती है ना जब इतने बड़े उस पे हमारे को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, बहुत खुशी होती है, अलग तरह की खुशी होती है। थैंक यू सो मच। ये देखो यहाँ पे उन्होंने सामने इनका वो पढ़ा हुआ है वर्कशॉप ऑन रोल ऑफ वुमेन ड्राइवर्स, ये देख सकते हैं यहाँ मैं पढ़ाती हूँ आपको, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में महिला चालकों की भूमिका पर कार्यशाला, ठीक है, वर्कशॉप ऑन रोल ऑफ वुमेन ड्राइवर्स इन रोड सेफ्टी अवेयरनेस, चीफ गेस्ट श्री मुकेश अग्निहोत्री, ऑनरेबल चीफ नेस्ट हिमाचल प्रदेश 24 जनवरी हिपा शिमला, ऑर्गेनाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये है हमारा जो यहाँ पे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में महिला चालकों की भूमिका पर कार्यशाला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी सीट संभाली है, चेयर संभाली है, और मधु ठाकुर नेम प्लेट सबके आगे जितने भी थी महिलाएं तो सबके आगे उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी, सामने अंजू बैठी है, और मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये देखो हम यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं, अभी कार्यक्रम शुरू होने में ना थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो हम यहाँ वॉशरूम वगैरह आए थे, मैं और मेरी बचपन की सहेली अंजू, इसलिए एक अलग तरह का ये डिजाइन होता है ना। तो चलिए आज मैं आपको फिर से मिलाती हूँ काजल से, अंजू से मिला चुकी हूँ, तो काजल दो चार शब्द बोल दे, मैं तो बकबक करती रहती हूँ क्या बोलूँ, आज तू बोलेगी चलो। तो हमारा फिर से हो गया, पहले फर्स्ट टाइम हम बिलासपुर में मिले थे, आज यहाँ पे हो गया शिमला में, ऑल राउंडर है ये। और उस दिन मेरे को इसने बताया नहीं था, मैं आपको बाद में वीडियो में बताया, जब मेरे को मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी जो दीदी आपसे मिले थे ना, एक्चुअली वो देखता होना इसको कि वो ना बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चला लेते, फिर मैं इसकी उस पर सर्च करके गई, मैंने कहा अच्छा, इसने मेरे को बताया नहीं था, क्या बात है। और ये अंकल जिसके पापा राजबा बेटे साथ में, आज पापा को साथ लेके आई है, तो बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे भी एक ऐसा ही है महिला ड्राइवरों के लिए, मतलब ये प्रोग्राम रखा गया है, शॉप है महिला ड्राइवर की, तो सभी ड्राइवर्स पहुंचे हैं, जैसे सेफ्टी होती है ना उसके बारे में भी थोड़ी हमारे को जानकारी देंगे कि रोड पे चलना, रोड सेफ्टी, वो सारे जो भी है जैसे भी होगा आपको बताएंगे, बाकी पूरा पता तो वही लगेगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए मीडिया वाले तो हर जगह आगे रहते हैं, जहाँ भी बोलो मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले सारे ही। और अभी हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, और उनकी वाइफ है साथ में प्रोफेसर डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री, जो कि बहुत ही अच्छी महिला है, उन्होंने भाषण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कल वाली वीडियो में। और ये हैं, ये इनकी वाइफ हैं, डायरेक्टर हैं रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट, जो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान,
तो ये देखिए सबने अपनी अपनी चेयर संभाली हैं और सारे यहाँ पे IAS HS सारे लोग जितने भी थे और साथ में पुलिस विभाग से हैं, XCN है, IPH की लिखा था शायद पार्ली सर जो बैठे हैं, प्रिंसिपल हैं और ये मीडिया वाले यहाँ पे सारे खड़े हैं। हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कार्यशाला में पहुंच चुके हैं। उनके यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर सीमी अग्निहोत्री जी का भी भावपूर्वक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। इस कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित माननीय परिवहन निदेशक श्री अनुपम कश्यप जी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी श्री नरेश ठाकुर जी, एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया पर्सन और हमारी महिला ड्राइवर स्पेशली उस सप्ताह में तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। यहाँ मौजूद प्रदेश की सशक्त महिलाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस कार्यशाला को निश्चित करने की इजाजत चाहती हूँ। आज की ये कार्यशाला महिला सशक्तिकरण के अनूठे स्वरूप को उजागर करती है और परिवहन विभाग ने भी एक अनूठी पहल की है और महिलाओं के परिवहन में दिए गए इस योगदान पर रोशनी डालती है। इस कार्यक्रम में अब हम भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी कार्य तब तक संपन्न नहीं माना जाता जब तक कि ईश्वर का आशीर्वाद जो है हमें नहीं मिल जाता। तो ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया वे बुद्धि दायिनी माँ शारदा आग्रह करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सहयोग करें। साथ ही प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि वे भी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। ताकि सबके भीतर का अंधेरा अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाए। और साथ साथ में मैं ये भी आपको बताती चलूं कि ये उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो है परिवहन मंत्री भी हैं हिमाचल प्रदेश में और साथ में शायद एक दो डिपार्टमेंट उनके पास और है, IPH वालों का भी उनके पास ही है अतिथि और साथ ही विभाग के सभी लोग बैठे हैं जो हमारी संस्कृति को मजबूत आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना और अतिथि जी का सम्मान करें। साथ ही सर्दियों के दिनों में सड़कें जमी हुई होती हैं। ड्राइव करते समय किसी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
यहाँ से, और कुछ मतलब जो ये रोड सेफ्टी के ऊपर जो आज एक प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में, और जो सारी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, और मतलब सब अपना जो भी अनुभव है वो बताएंगे। और जैसे मैं मेरी ट्रेनिंग 5 मई 2016 में हुई थी, और मैंने शुरुआत जो की है वो टैक्सी से, HRTC टैक्सी से, और उसके बाद मैंने टेम्पो ट्रेवल बस 29 सीटर 32 सीटर 42, और आज लास्ट जो हमारे HRTC की जो स्टेज है वो वॉल्वो। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं अपनी सेवा दे रही हूँ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब जो पैसेंजर को लेके जाना है सेफ जाना है, क्योंकि हमारे पीछे कितनी जिंदगियों का, कितने परिवारों का सवाल है वो हमें मतलब खुद देखना होता है कि क्या है कैसे है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आज महिला इस क्षेत्र में बहुत आगे आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। सीमा जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक वॉल्वो ड्राइवर है, और आपको पता है कि वॉल्वो कितनी बड़ी बस लगती है, और हिमाचल की सड़कों पे